बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमास के साबिक सरबरा इस्माइल हानी की शहादत के बाद मशरक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ती जा रही है और खित्ते पर जंग के साए मंडलाने लगे। ऐसे में ईरान ने बहरी बेड़े में हज़ारों जदीद क्रूज मिसाइल नस्ब कर दिए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब ने अपनी बहरी कुव्वत में अचानक मजीद इजाफा कर दिया और बहरी बेड़े में जदीद क्रूज मिसाइल नस्ब कर दिए। मिसाइल सिस्टम बहरिया को सौंपने के हवाले से जुमे को एक खसूसी तकरीब का इनकार किया गया। पासदारान इनकलाब ने बहरिया को 2500 से ज़्यादा मिसाइल सिस्टम और ड्रोन से लैस किया है। ये मिसाइल ज़्यादा धमाका खेज मवाद ले जाने की सलाहियत रखते हैं और इनका पता भी नहीं लगाया जा सकता। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये मिसाइल दुश्मन को इंतहाई करीब और दूर दोनों फासलों से निशाना बना सकता है। लॉन्ग और शॉर्ट मिसाइल, जासूसी ड्रोन और रडार भी बहरी बेड़े में शामिल किए जा चुके हैं। बहरिया ने एक बयान में कहा है कि ये मिसाइल सिस्टम जदीद तरीन एंटी सरफेस और सब सरफेस हथियारों पर मुश्तमिल है। पासदारान इनकलाब के आला कमांडर मेजर जनरल हुसैन इस्लामी ने कहा कि आज की दुनिया में आपको जिंदा रहने के लिए या तो ताकतवर होना पड़ेगा या हथियार डालने होंगे, कोई दरमियानी रास्ता नहीं। याद रहे कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने हमास सरबरा की शहादत का बदला लेने का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने जुमेरात को कहा है कि इसराइल ने अमरीकी, कतरी और मिस्री साजिशों के मुतालबे पर 15 अगस्त को गजा में जंगबंदी मुज़ाकरा दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर की है। ख्याल है कि अमरीकी, कतरी और मिस्री सालस 10 माह से जारी जंग में दूसरी जंगबंदी को यकीनी बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान का इसराइल पर मुमकिन हमला। पेंटागन का अहम बयान सामने आ गया। पेंटागन के तर्जमान पैट्रिक राइडर का कहना है कि ईरान या इसके एजेंटों के किसी भी हमले को रोकने के लिए मशरक़ वस्ता के खित्ते में मजीद फौजी सलाहियतें तैनात कर दी गई हैं। सऊदी खबरसा अदारे से बात करते हुए पेंटागन के तर्जुमान पैट्रिक राइडर्स ने इस हवाले से तस्दीक की है कि उन्होंने कहा कि अमरीका कशीदगी में इजाफा नहीं देखना चाहता लेकिन जवाब देने के लिए तैयार है। पेंटागन तर्जुमान ने मजीद कहा कि अड्डे ऐन अल असद पर अमरीकी अफवाज पर हमला ईरान के अदम इस्तेहकाम के रवैये की अकासी करता है। अमरीका इस हमले का जवाब देने का हक महफूज रखता है। अमरीकी महकमे खारजा का कहना था कि वाशिंगटन इसराइल को अमरीकी हथियारों और फौजी साजो सामान पर खर्च करने के लिए 3.5 बिलियन डॉलर फराहम करेगा। ये फंड कांग्रेस की जानिब से गजा में इसराइल की जंग के दौरान मुख्तस किए जाने के महीनों बाद जारी किए जाएंगे। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान के मुताबिक वजारत ने जुमेरात को कांग्रेस को आगाह किया कि हुकूमत इसराइल को अरबों डॉलर की गैर मुल्की फौजी फंडिंग जारी करने का इरादा रखती है। CNN ने पहले इतला दी थी कि ये रकम इसराइल के लिए 14 बिलियन डॉलर के अजाफी फंडिंग बिल के हिस्से के तौर पर जारी की गई है जिसे अप्रैल में कांग्रेस की जानिब से मंजूर किया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा इसराइली तैयारों की नमाज फजर में मसरूफ़ फ़लस्तीनियों पर बमबारी, 100 शहीद। इसराइली तैयारों की जनूबी वस्ती और शमाली गजा में मुतद्दद मकामात पर बमबारी के नतीजे में मजीद दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा सिटी में अलताबन स्कूल पर बमबारी से 100 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। स्कूल में सैकड़ों बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। हमला उस वक्त किया गया जब लोग नमाज फजर की अदायगी में मसरूफ थे। दूसरी जानिब अलमवासी में इसराइली तैयारों ने एक घर पर बमबारी की जिससे 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनस में भी ज़मीनी ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया। उधर रफा में अलकसाम ब्रिगेड ने सहूनी फौज के टैंकों को तबाह कर दिया। इसराइली फौज ने लबनान और शाम पर भी बमबारी की। शाम के शहर हमस में एयरबेस को निशाना बनाया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका का सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी हटाने का फैसला। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अहदेदार ने कहा है कि
सऊदी अरब को फजा से ज़मीन पर मार करने वाले हथियारों पर पाबंदी ख़त्म की जा रही है। सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त अगले हफ्ते शुरू होने का इम्कान है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जब अमरीकी सदारत संभाली थी तो उन्होंने खलीजी ममालिक के खिलाफ सख्त लहजा और अंदाज अख्तियार किया था। इसे जो बाइडन इंतजामिया की खारजा पॉलिसी में एक अहम इकदाम के तौर पर शामिल किया गया था। सदर जो बाइडन ने ईरानी हमायत याफ्ता यमनी हौसियों को पहले से दहशतगर्द करार दिए जाने का फैसला भी वापस ले लिया था। अगरचे अरब ममालिक ने इस फैसले की मुखालफत की थी और सऊदी अरब को जारहाना हथियारों की फरोख्त रोक दी थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अल हदीदा बंदरगाह पर इसराइली हमले का जवाब देना नागुजीर है, हौसियों का इंतबाह। यमन के हौसी रहनुमा ने पुरजोर अंदाज में कहा है कि इसराइल की तरफ से 20 जुलाई को अल हदीदा पर किए गए हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा, ये हमारे लिए लाजम है। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के नतीजे में 9 अफराद हलाक हुए थे। उनका बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब खित्ता बुरी तरह पेचीदगी की लपेट में आ चुका है। इसराइल की बेरूत और तेहरान में 2 अहम शख्सियात की हलाकतों और इन्वॉल्वमेंट के नतीजे में पेचीदगी तेजी से बढ़ी है। ईरान और हिजबुल्ला ने इसराइल से इन वाकयात का बदला लेने का कहकर खित्ते में जंगी खतरात और बढ़ा दिए हैं, जबकि इसराइल जो पहले से जंग के लिए तैयार है, अमरीकी जंगी कुमक भी इसके लिए खित्ते में पहुंच चुकी है। अब हौसी रहनुमाओं का ये बयान कशीदगी की फजा में मजीद इजाफे का बायस बनेगा। हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक अल हौसी ने एक टेलीविजन तकरीर में कहा कि 20 जुलाई को इसराइल ने अल हदीदा बंदरगाह पर हमला करके ईंधन जखीरा करने वाले टैंकों को हदफ का निशाना बनाया, इसके लिए हमारे लिए लाजम है कि हम इसका जवाब दें। उनका कहना था कि इसराइल के साथ हमारी जंग इस वक्त अरूज पर है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मशरक़ वस्ता में कशीदगी किसी के मफाद में नहीं, अमरीका ने खबरदार कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन ने इसराइली वज़ीर दिफा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा है कि मशरक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफा किसी भी फरीक के मफाद में नहीं है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने गजा में जंगबंदी की ज़रूरत पर भी जोर दिया। अमरीकी महकमा ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन ने इसराइल की सलामती के लिए अमरीका के गैर मुतज़लज़ल अज़म की तौसीक की और कहा कि गजा में जंगबंदी की सूरत में यरगमानियों की रहाई मुमकिन हो सकती है और वसी तरह इलाकाई इस्तेहकाम के लिए हालात साजगार बनाए जा सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने नार्वे के 8 सफारतकारों की सफारती हैसियत खत्म कर दी। इसराइल ने नार्वे के मुतद्दद सफारतकारों की सफारती हैसियत खत्म कर दी है, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा ने समाजी राबते के प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने फलस्तीनी अथॉरिटी में नार्वे के नुमाइंदा दफ्तर में काम करने वाले नार्वे के 8 सफारतकारों की एक्रीडेशन मंसूख कर दी है। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा ने एक बयान में कहा है कि ये एक इंतहाई इकदाम है जो बुनियादी तौर पर फलस्तीन की मदद करने की हमारी सलाहियत को मुतासर करता है। इससे एक बार फिर जाहिर होता है कि नेतन्याहू की हुकूमत 2 रियासती हल के लिए किए जाने वाले अमल की फाल तौर पर मुखालफत करती है। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे जोजो बोरेल ने अपने एक बयान में कहा है कि नॉर्वे के खिलाफ ये इकदाम गैर जरूरी है। वाज रहे मई में नार्वे की जानिब से फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात खराब हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के हक दिफा का गजा जंगबंदी से कोई ताल्लुक नहीं, ईरानी मिशन बराए इकवाम-ए-मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने वाजिया कर दिया है कि ईरान को दिफा का कानूनी हक हासिल है। ईरान को हासिल हक दिफा का गजा जंगबंदी से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान के यूएन मिशन ने अपने एक बयान में कहा है कि ईरान का रद्दअमल मुमकिन जंगबंदी के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। बयान में कहा गया है कि हमारे रद्दअमल का वक्त और अंदाज जंगबंदी पर असर अंदाज नहीं होगा। ईरान की तरजीह है कि गजा में देरपा जंगबंदी हो। जंगबंदी मुआहिदा अगर हमास को मंजूर हो तो ईरान को भी कबूल होगा। खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगामात के तबादले के लिए बराह रास्त और मसाहलती सरकारी चैनल्स हमेशा कायम रहे हैं, ताहम दोनों फरीकैन इसकी
तफसील जाहिर करने से गुरेज करते हैं। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।